हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपके घर में जितने भी होम अप्लायंसेस हैं वो एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यूज़ हो रहा है, यानी पर डे जो है वो कितनी पावर का यूज़ कर रहे हैं, उनका पर डे कितना बिल है और महीने का कितना बिल आने वाला है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है काफ़ी ज़्यादा आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चुपचाप आप बिल दे देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो मैं आज बताने वाला हूँ एक्सेल के अंदर, इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मंथली बिल कितना आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितना भी डेटा मैं ले रहा हूँ एज ए सैम्पल ले रहा हूँ, आपके केस में डेटा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मैंने यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पे पहले से एंटर किया हुआ है, आपको एक्सेल ओपन कर लेना है, सेम ऐसे डेटा आपको एंटर कर देना है। मैं मान के चलता हूँ नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में, मेरे घर में एक रेफ्रिजरेटर है, दो फैन है, दो कूलर है, एक एसी है, चार ट्यूबलाइट है और पांच बल्ब है। ये मैं यहाँ मान के चलता हूँ नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में, आपको जितनी जितनी जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब बात आती है पावर वॉट की। अब पावर वॉट जो है आपको कैसे पता लगेगा, आपका जो रेफ्रिजरेटर है या कोई भी प्रोडक्ट है आप उसके पीछे देखिए, वहाँ पे जो है आपको पावर वॉट जो है दिख जाएगा इजीली। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ रेफ्रिजरेटर 240 वॉट का है, फैन 180 वॉट का है, कूलर 220 वॉट का है। अब बात आती है एसी की। एसी आपने देखा होगा फ्रेंड्स टन में दिखने को मिलता है, तो 1 टन इक्वल टू होता है 3504 वॉट। ठीक है, अब मान के चलिए आपका एसी 2 टन का है तो 3504 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 7008 ये वॉट आ गया। आपको यहाँ मेंशन कर देना है, आपके केस में डिफरेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं 7008 कर देता हूँ। ट्यूबलाइट मेरे पास है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 40 वॉट की मान के चलता हूँ, और बल्ब मैं यहाँ पे 20 वॉट का मान के चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टाइम इन आवर्स पर डे, आप कौन सी चीज़ एक दिन में कितना यूज़ करते हो, कितने घंटे यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर फ्रेंड 24 आवर्स ही यूज़ होता है, ठीक है, और फैन है, गर्मियों का टाइम है तो आप 18 आवर्स मान के चलिए, कूलर है तो कुछ नहीं तो 12 आवर्स मान के चलिए, एसी आप 10 आवर्स मान के चलिए, ट्यूबलाइट ज़्यादा नहीं 5 घंटे मान के चलते हैं, और बल्ब भी 5 घंटे ही मान के चलते हैं, ये इतना यूज़ होता है। अब बात आती है यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन की, यानी कितने यूनिट पर डे ये सारी चीज़ें आपका यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको आने के बाद इक्वल टू का साइन लगाना है, यहाँ पे हम फॉर्मूला एंटर करेंगे, ब्रैकेट करेंगे ओपन, नंबर ऑफ़ क्वान्टिटी पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पावर वॉट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जो इसका टाइम है एक दिन में आप कितना यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट कर देना है क्लोज और डिवाइडेड बाय कर देना है 1000। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यानी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो लोग जानते होंगे कैसे करना है। ठीक है, इसको कर देना है आपको एंटर, बस यहाँ पर कंजप्शन जो है आपको शो हो जाएगा पर डे का। अब आपको क्या करना है, इसको पूरा नीचे कर देना है, सभी का डेटा जो है यहाँ पर आ जाएगा पर डे कंजप्शन। ठीक है, अब मंथली कंजप्शन पे आना है आपको। अब आपका यानी जितना एनर्जी कंजप्शन है मंथली कितना हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एनर्जी कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई महीना 30 का होता है, कोई 31 का होता है, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं 31 का है। ठीक है, ब्रैकेट कर दिया क्लोज और कर दिया एंटर, ये मंथली कंजप्शन आ गया हमारा रेफ्रिजरेटर का। अब ऐसे ही आपको पूरा कर देना है, सभी का कैलकुलेशन जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब आती है फ्रेंड्स यहाँ पे मंथली बिल की बात, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है, ब्रैकेट कर देना है ओपन, अब मंथली कंजप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और इसमें मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर यूनिट जो है फ्रेंड्स, अगर मैं विलेज टाइप के एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर 3 रुपये 4 रुपये है। ठीक है, अगर आप टाउन की बात करें वहाँ पे 5 रुपये से 10 रुपये है। ठीक है, और अगर आप थोड़े यानी मान के चलिए कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे 15 रुपये 18 रुपये भी है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके घर में कितने रुपए पर यूनिट बिजली का बिल आ रहा है, यहाँ पे उतना नंबर डालना है।
मैं यहाँ पे अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरे पास 7 रुपये पर यूनिट जो है बिजली का बिल मेरे को पे करना पड़ता है। सिंपली आपको मल्टीप्लाई बाय 7 कर देना है और कर देना है एंटर। तो यहाँ पे आपको डेटा जो है देखने को मिल जाएगा। इसको आपको कर देना है नीचे, तो आपको जो है मंथली कैलकुलेशन यहाँ पे देखने को मिल गई। अब बात है यहाँ पे टोटल बिल कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे तो हमने निकाल दिया एक एक चीज़ का कि ये महीने का इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, इतना बिल आएगा। अब हमें जो है टोटल एनर्जी कंजप्शन जो है निकालना है, महीने का कितना है और टोटल कितना बिल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं टोटल कंजप्शन कर देता हूँ, ठीक है, टोटल कंजप्शन यहाँ पे मंथली का है। तो यहाँ पे मैं सारा का सारा डेटा यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ आके मैं सिंपली यहाँ पे ऑटो सम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑटो सम आ गया है और यहाँ पे जो है मेरे को क्या करना है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, आपको ये वाली सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय, हमने 7 रुपीज़ मान के चला था पर यूनिट हमारे यहाँ बिजली का बिल है, इसको मल्टीप्लाई बाय 7 और कर देना है एंटर। तो आपका जो है अगर आप इतनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका महीने का बिल आएगा 19,291 रुपये, ठीक है, 0.3 पैसा ये आपका मंथली बिल आएगा। तो इस तरीके से जो है ना फ्रेंड्स, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बिल जो है कितना मंथली आ सकता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको पता लगा सकते हैं ईजिली। अब लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है ना, सिर्फ फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को ही कैलकुलेट किया है। यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके केस में बिल जो है थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकता है और थोड़ा सा कम भी आ सकता है, क्योंकि डेटा जो है अलग अलग टाइम पे वेरी कर सकता है। डेटा का जो कैलकुलेशन हो तो एक्यूरेट आएगा, लेकिन सर्विस चार्ज, ठीक है, GST जितने एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। वो सब मिला के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना आपको जो है महीने का बिल आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए और अपने बिल को जो है आप चेक कर सकते हैं, कि जिससे कोई आपको कल के बेवकूफ़ ना बना पाए कि आपका महीने का इतना बिल आ रहा है तो आप पे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया था, आपको मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।